दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम पूना में आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के हमने एक ऑटो रिक्शा देखा जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको जानकारी देंगे TVS के किंग जो ऑटो रिक्शा आता है इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमें पूना शहर के आसपास से देख रहे हों तो आप श्री गणेश TVS के जो आउटलेट है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं इनको ख़रीदने के लिए। चलिए फ्रंट खूबसूरती की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी जो है इसके अंदर विंडशील्ड दी जाती है, जिसको क्लीन करने के लिए आपको एक वाइपर भी मिलेगा जो कि आपकी विजिबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करता है। और ब्लैक और येलो के कॉम्बिनेशन में ये जो ऑटो रिक्शा है मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके फ्रंट खूबसूरती की और बात करें तो यहाँ पर आपको TVS की ब्रांडिंग मिलेगी, यानी कि लोगो मिलता है क्रोम फिनिश के साथ में। काफ़ी बड़े इसके अंदर आपको हेडलाइट मिलेंगे जो कि आपके नाइट के समय में विजिबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करते हैं और आपकी सेफ्टी भी काफ़ी इन्हेंस होती है। दोस्तों अगर हम इसके टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 इंची के टायर दिए गए हैं। 169 mm का आपको शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जिससे कि आप इसको किसी भी कच्चे पक्के रास्ते में आसानी से निकाले जा पाते हैं। साथ ही दोस्तों बारिश वगैरह के मौसम के अंदर आपका जो है ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होने की वजह से आपके साइलेंसर वगैरह के अंदर भी पानी यहां पर नहीं जा पाता है। तो इस हिसाब से आपका साइलेंसर और आपका ग्राउंड क्लियरेंस और आपके टायर जो है यहाँ पर आपको बेहतर सस्पेंशन के साथ में TVS किंग के अंदर मिल जाते हैं। 3 लोगों के बैठने की कैपेसिटी मिलती है पीछे की साइड में, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फिलहाल हम बाहर के लुक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर ORVM दिए गए हैं जो कि आपको काफ़ी दूर दूर तक जो है पीछे की साइड में निगाह बनाए रखने में सहयोग करते हैं। अगर हम साइड से देखते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, यानी कि लेग स्पेस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ड्राइवर भाई हमारे यहाँ पर काफ़ी कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा खासा स्पेस इनको यहाँ पर जो है मिल रहा है, और हैंडल बार आपको यहाँ पर मिल ही जाता है जिससे कि आप इसको लगातार लंबे समय तक चला सकते हैं। अगर हम बात करें इसके हैंडल बार के ऊपर मिलने वाले कंट्रोल की तो दोस्तों आपको यहाँ पर अमूमन जो है वही कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपको हर ऑटो रिक्शा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इसके ट्रांसमिशन के बारे में बताएं तो 4 स्पीड ट्रांसमिशन मिलती है आपको यहाँ पर, और बीच में आपको यहाँ पर इसके अंदर जो है आपका इंजन RPM यहाँ पर दिया गया है जिससे कि आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं ऑटो चलाते समय। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाना है तो उसके सेपरेट आपको दोनों ही साइड में स्पीकर लगाने के लिए भी जगह यहाँ पर दी गई है। काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर के साथ में आते हैं TVS किंग, जिसके अंदर आपको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है देखने के लिए और काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो ये जो ऑटो रिक्शा है आपको पेट्रोल और CNG दोनों ही प्रकार के प्रोविज़न के साथ में आता है। नीचे की साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका CNG टैंक है, उसको यहाँ पर फिट किया गया है ड्राइवर की सीट के नीचे। अगर आपने इसको एक बार फिल कर लिया तो आप आसानी से जो है दिन भर अपने ऑटो रिक्शा को आसानी से चला पाते हैं और एक लंबी दूरी तक जो है चला करके आप अच्छे से अच्छा मुनाफा यहाँ पर कमा पाएंगे। फिलहाल अगर माइलेज की बात करें तो इससे आपको लगभग 40 से 45 तक का माइलेज आसानी से मिल पाएगा। ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने की साइड में शो होती रहनी चाहिए। तो जैसे ही हम सामने देखते हैं तो आपको यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जिसके अंदर आपको डिजिटली तमाम सारी इन्फॉर्मेशन शो होती हैं। साथ ही आपके मोबाइल को रखने के लिए भी जगह मिल जाती है, मोबाइल को चार्ज करने का प्रोविज़न है, सिगरेट लाइटर के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर आपको एक बटन दिया गया है जिससे कि आप ऑटो इसको पेट्रोल और CNG दोनों में ही स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी गियर पोजिशनिंग है, लॉकेबल आपको ग्लोबॉक्स दिया गया है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको एक एडवांस फीचर देखने के लिए मिलता है कि आप इसको एक बार ही टच करेंगे, यानी कि 1 टच के साथ में आपका ऑटो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, आपको ये बटन दिया गया है 1 टच फंक्शन वाला, हम इसको एक बार टच करेंगे हमारा ऑटो स्टार्ट हो चुका है। आपको मेरे ख्याल से इसकी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, इतनी सॉफ्ट आवाज़ आपको जो है TVS किंग के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगेन हम इसको दोबारा से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा जो है ऑटो वो बंद हो जाता है। तो काफ़ी ही बेहतरीन फीचर और टेक्नोलॉजी के साथ में कंपनी ने अपने TVS किंग को जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाया है। अब दोस्तों इस साइड में हम देखते हैं तो ड्राइवर के कंफर्ट के लिए आपको यहाँ पर पानी की बोतल रखने के लिए भी जगह दी गई है, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो आपको पानी की बोतल रखने के लिए भी उचित यहाँ पर जो है स्पेस का प्रावधान किया गया है। अगर हम पीछे की बात करें दोस्तों तो आप देखेंगे पैसेंजर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो है इसके अंदर डोर दिए गए हैं जिसको कि आप लॉक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे वगैरह हैं या हमारा सामान है वो यहाँ से निकल करके बाहर नहीं गिर पाता है। अगर हम सीटिंग के हिसाब से बात करें तो पीछे की साइड में जो है हमारे यहाँ पर 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। मैं 3 लोगों को यहाँ पर बैठा करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की साइड में जो है 3 हमारे साथी हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि जगह को लेकर के यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है।
तीन लोग आसानी से बैठ सकते हैं, साथ ही ड्राइवर भाई भी हमारे यहाँ पर आसानी से बैठ करके ऑटो को चला सकते हैं। हमारे पैसेंजर के सामान को रखने के लिए पीछे की साइड में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस भी दिया गया है, जिसके अंदर आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप अपना जो है म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर वगैरह है वो जनरली लगा लिया करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर बेल्ट वगैरह भी दिए गए हैं, जिससे कि आप इनको पकड़ करके एक अच्छी खासी और सेफेस्ट यात्रा कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का है इसका साइड प्रोफाइल। अगर हम इसको पीछे से आपको दिखाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है डीलक्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल रही है। ये जो ऑटो रिक्शा है दोस्तों आपको दो तरह के वेरिएंट्स में मिलते हैं। फिलहाल हमारे पास में है डीलक्स वेरिएंट, जिसकी ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर इसके अंदर 3 लीटर का पेट्रोल फिल करने का भी प्रावधान मिलता है, उसका पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है इसका इंजन कंपार्टमेंट, जिसको कि आप इजीली खोल सकते हैं, और यहीं पर आपका जो है स्पेयर व्हील भी पीछे की साइड में दे दिया गया है, जिससे कि आप आसानी से कभी भी अपने स्पेयर व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजन के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया गया है, जो कि SI इंजन है, जिससे आपको 199.26 cc का डिस्प्लेसमेंट होता है। और अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो 13 Nm का आपको यहाँ पर टॉर्क इससे मिल जाता है। 6.7 किलोवाट की पावर मिलेगी आपको इस इंजन के साथ में। तो दोस्तों इस तरह का इंजन है जो कि BS6 नॉर्म्स को पूरा का पूरा कवर करता है, और 12 बोल्ट के आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस मिलते हैं TVS किंग ऑटो रिक्शाज के साथ में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको TVS के शानदार ऑटो रिक्शा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। अगर आप इसकी कीमतों के बारे में जानना चाहते हैं तो लगभग 2,38,000 रुपये के आसपास के ऑन रोड कीमतों के अंदर आप इसको पुणे शहर में परचेज कर सकते हैं। माइलेज की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अगर आप इसको CNG में चलाएंगे तो आपको 45 से 50 तक का माइलेज मिलेगा। अगर आप इसको पेट्रोल में स्विच करके चलाएंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 15 से 18 तक का माइलेज ईजिली मिल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।